Good afternoon, dear learner, and most welcome at Philaform. This is Sukhwanti Goswami. As you know, I'm taking English grammar class. So, dear learner, we have started active voice, passive voice, and we have mostly completed. Today we are taking test. So, come fast, dear learner. Keep on joining. Good afternoon, Priya ji. How are you? देखो जब भी हम जितना भी वर्क करते हैं तो सब करने के बाद हमें अपने आप को जानना है कि हमने कितना सीख लिया और कितना सीखना बाकी है. जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे. सो डियर स्टूडेंट, हम हर एक टॉपिक करने के तुरंत बाद टेस्ट लेते हैं. आर यू रेडी? दिस इज अवर फिलाफोर प्लेटफॉर्म. यहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे आपकी वो किसी जॉब से रिलेटेड हो, किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है एग्जाम से रिलेटेड, यू आर गेटिंग एट फिलाफोर्म. सो डियर लर्नर, ज्वाइन अवर फिलाफोर्म प्लेटफॉर्म. यहाँ पर आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिलती है. ये हमारा टाइम टेबल है. KVS, NVS, CTET, CSB, कोई भी TET, उस सब के लिए हमारी क्लासेज चलती हैं. तो जो भी बच्चे इन सब की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी क्लास ज़रूर ज्वाइन करें. जो 8 AM से लेके 10 PM तक कंटिन्यू चलती रहती हैं, ये CTET बैच का टाइम टेबल है. जो बच्चे CTET की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये क्लासेज ज्वाइन करें. गिव मी रिस्पॉन्स प्रिया जी, साउंड इज ओके? अभी देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने आप को जानना है कि हमें कितना आता है. ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का टेस्ट भी है और साथ में आपके सॉल्यूशन भी है. तो जल्दी जल्दी आए, कम फास्ट. हेलो प्रिया जी, मेक मी कन्फर्म ऑडियो इज ओके? ओके, लेट्स सी, मेरी तरफ से सही है, मुझे भी चेक कर लेना चाहिए. ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होते हैं ये हमने. ओके, थैंक यू प्रिया जी. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम 2 दिन से करते आ रहे हैं. हमने मोस्टली एक्सरसाइज कर ली है विद फॉर्मेशन, विद ऑल रूल्स, और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ भी आ गया है. तो अभी देखो ये आपके सामने कुछ एक्टिव वॉइस हैं, आप इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. जिनको लगता है कि हमें अच्छी तरह से आते हैं एक्टिव वॉइस वो भी ज्वाइन करें, और जिनको लगता है कि हमें एक्टिव वॉइस नहीं आते वो भी ज्वाइन करें. ये सबके लिए यूजफुल है. दिस क्लास इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल लर्नर. सो जिसको अपने आप को टेस्ट करना है, चेक करना है, वो चेक कर लीजिएगा, और जिसको समझना है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों काम हम एक साथ करने वाले हैं. जिन्होंने मेरी लास्ट क्लासेज ज्वाइन नहीं की है वो सभी क्लासेज भी देख लें, और इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, रेडी फॉर टेस्ट?
चलो जल्दी जल्दी राइट करें चैट बॉक्स में। क्या बात है भाई, बच्चे टेस्ट का नाम लेते ही डर गए क्या? टेस्ट से डर गए शायद। चलो, एवरी वन लव्ड हिम। जो जो क्लास देख रहे हैं वो आप इसको चेंज करेंगे, एवरी वन लव्ड हिम पैसिव वॉइस में चेंज करें। हिम से आपका हो जाएगा। टेंस को फाइंड आउट करें वर्ब से। वर्ब आपकी कौन सी यूज हुई है? देखो, जैसे कि हमने हिम बनाया है, इसका मतलब कि हिम क्या था हमारा? सब्जेक्ट। हिम क्या था हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है, यस, ही आप टेंस को पहचानिएगा। वी टू है तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? ही वॉज सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज करेंगे। लव्ड फिर हम बाय का यूज करते हैं। बाय आपका लास्ट में आ जाएगा, ऐसे मैंने आपको डायग्राम बना के सिखाया था। बाय एवरीवन, इसमें मेन आपको टेंस फाइंड आउट करना है, उसी में मिस्टेक होती है। ठीक है, बाय एवरीवन। बाय एवरीवन, ठीक है, ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन। नेक्स्ट है आपका, डिड यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम? सभी अपनी अपनी नोटबुक में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें। अब देखो, डिड आया है तो डिड से आप पहचान लोगे कि कौन सा टेंस है। एक बार राइट करें, टेंस कौन सा है? डिड से आपने पहचान लिया कौन सा टेंस है? सिंपल। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, इंटेरोगेटिव वाला। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन कौन सा पास्ट टेंस है? इंटेरोगेटिव में। आपका क्या है ये? इंटेरो गेटिव क्वेश्चन में है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसी के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। डिड है, डिड की जगह पे आप क्या यूज करेंगे? यस, वेरी गुड मंजीत जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, सभी आप ये चेंज करें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस भी हैं आपके लिए, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम? जल्दी चेंज करें, आई एम वेटिंग फॉर यू। आपको मैंने टेंस बता दिया है, पास्ट टेंस है, इंटेरोगेटिव में।
तो आप कैसे चेंज करोगे? देखो, हमने वर्ब देखनी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब देख लिया है। आप इसको क्वेश्चन में ही चेंज करेंगे। डिड की जगह पे क्या लगा देंगे आप? सिंगुलर या प्लूरल उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर यूज करेंगे, ठीक है? वॉज, जल्दी करें। होमवर्क उठा लें आप लोग। यस, वॉज। जल्दी जल्दी राइट करें, आई एम वेटिंग फॉर यू। प्रिया जी, मंजीत जी, अगर नहीं समझ आया तो वो बता दें और साथ में फॉर्मेशन भी राइट करते जाएं। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, ये आपका टेस्ट है। मैं सोच रही हूँ कि पहले आप लोग करें, उसके बाद मैं बताती हूँ। यस, हाँ, कंप्लीट सेंटेंस करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करें। देखो, हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। किसमें? क्वेश्चन वाले में। क्या हो गया कि भाई कोई हमारी हेल्प करो, सबसे पहले यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। यस, फिर हम जैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ओके, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? यस, वॉज। ऑब्जेक्ट इसमें से आप फाइंड आउट करें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, फिनिश आपकी वर्ब है, ठीक है? Was your homework? Was your homework finished? Was your homework finished? In time? राइट कर ले साथ के साथ, इन टाइम, बाय यू। क्लियर? वॉज योर होमवर्क, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। Was your homework? या पूरा होमवर्क राइट कर दें। Is it clear? She teaches us English every day. She teaches English every day. टेंस फाइंड आउट करें। अभी समझ आया मंजीत जी? वॉच योर होमवर्क फिनिश्ड इन टाइम बाय यू, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल राइट है। एक बार मुझे बता दें, अभी समझ आ गया? आप डेली क्लास नहीं लेते ना, इसलिए थोड़ा सा बीच में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है।
क्लास दोबारा से देख लें जो मैंने करवा रखी हैं कल, उसमें पूरे रूल रेगुलेशन सब कुछ हैं। हाँ जल्दी फाइंड आउट करें, शी टीचेज अस इंग्लिश एवरी डे। अभी देखो इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो हम पहले अस से उठाएंगे, शी टीचेज अस, अस का क्या बन जाएगा, वी, वी के साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, आर यूज करेंगे या एम यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वी आर, टीच की थर्ड वर्ब कौन सी है, वी आर टॉट, टी ए यू जी एच टी, वी आर टॉट, क्या पढ़ाया गया हमें, इंग्लिश बाय हर एवरी डे, वी आर टॉट इंग्लिश, हमें क्या पढ़ाया गया, इंग्लिश सी से क्या बन जाएगा, जल्दी जल्दी राइट करते जाएं, बाय हर एवरी डे, चैट बॉक्स में राइट करते जाएं और मुझे कंफर्म करें कि समझ आ गया, ठीक है। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर एवरी डे, कंप्लीट सेंटेंस लिखें, आई नो हर, एक बार में ही कंप्लीट सेंटेंस राइट करें मंजीत जी। आई नो हर, आई नो हर, हर हर से क्या बन जाएगा, शी, टेंस फाइंड आउट कर लिया, यस मंजीत जी, ये आपका रोंग नहीं लगेगा, अगर आप इसको इंग्लिश के बाद भी राइट करेंगे तो भी रोंग नहीं होगा, और एट द लास्ट रखेंगे तो भी रोंग नहीं होगा, ठीक है। आई नो हर, हर से क्या बन जाएगा, शी, टेंस कौन सा है आपका, आपने फाइंड आउट कर लिया, शी, अब देखो वर्ब कौन सी है आपकी, फर्स्ट, तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, She is known, राइट करते जाएं और मैच करते जाएं, ठीक है या नहीं, known आएगा, हो जाएगा आपका me, by me, okay, हाँ। Who teaches you physics? मैंने कल बताया था कि who की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, who और whom को एक दूसरे का नाम पसंद है, तो who किस में चेंज हो जाएगा आपका, राइट करें एक बार, by whom में, who किस में चेंज हो जाएगा आपका, by whom में, और बाकी जैसे हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, बाकी सेम वही फॉर्मेशन यूज करेंगे। यस मंजीत जी समझ में आया, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर करें,
क्लास को लाइक करें, शेयर करें। हाँ मंजीत जी कंप्लीट बनाइएगा। गुड आफ्टरनून। बाय हूँ, हू का हो जाएगा आपका बाय हूँ। बाकी हमने क्या किया, टेंस फाइंड आउट कर लिया। टेंस कौन सा है, बाय हूँ। टीचिंग से पता चल गया है टेंस आपका कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वी फर्स्ट है और साथ में आपके एस या ईएस का यूज हुआ है। ठीक है, बाय होम यू आर टॉट फिजिक्स। हाँ बिल्कुल मंजीत जी, ओके थैंक यू राजेश जी। बाय हूँ, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। ओके फिर है आपका व्हाई हैव यू रीड द न्यूज़पेपर, व्हाई हैव यू रीड द न्यूज़पेपर, व्हाई सेम राइट करेंगे, व्हाई का व्हाई आ जाएगा आपका। फिर हम इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर। बहुत सारे हमारे और क्वेश्चन हैं अगर इसी में इतना टाइम लगाएंगे। ठीक है, व्हाई हैव का यूज हो रहा है तो हम टेंस फाइंड आउट करेंगे कौन सा टेंस है। जल्दी राइट करें। देखो कंप्लीट राइट करेंगे, बाय हूँ, नेक्स्ट भी करेंगे साथ के साथ वाई वाला, बाय हूँ, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फिजिक्स सिंगुलर लगता है आपका, बाय हूम इज। फिजिक्स फिजिक्स taught by you is physics
टॉट, टीच से बन जाएगा आपका टॉट बाय यू. ओके, यस, हरी अप. न्यूज़पेपर आपका सिंगुलर होता है, न्यूज़पेपर भी आपका सिंगुलर होता है, ये फिजिक्स भी आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, इसलिए हैज का यूज़ किया है. नेक्स्ट है आपके पैसिव वॉइस. क्या हुआ मंजीत जी, व्हाट हैपन्ड, व्हाट वाज सेड बाय हिम. अभी देखो ये आपके पैसिव फॉर्म में हैं, आप इनका एक्टिव वॉइस बनाएंगे. ओके, क्लियर है अभी मंजीत जी? ओके, ठीक है. जो आपके ये वर्ड्स होते हैं ना, फिजिक्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके साथ एस या एस लगा होता है तो आप सोचते हो कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते, क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं. ओके, अभी आप ये करेंगे. अगर आपको कंफ्यूजन है, एक सेंटेंस और दे देती हूँ मैं आपको. हु से, देखो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कंफ्यूजन क्लियर करना मेरा काम है. हु ये बनाओ मंजीत जी, क्लियर हो जाएगा. हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण. देखो अब हु को क्या पसंद है, बाय हुम नेम, क्या पसंद है, बाय हुम. मैंने कल समझाया था ना, इनको एक दूसरे का नेम पसंद है. हुम का क्या बन जाता है, हु, और हु का क्या बन जाता है, बाय हुम. और ये सेम इसी प्लेस पे आप राइट करेंगे. ओके, बाय हुम. फिर हम टेंस देखेंगे कौन सा है. रोट है, रोट कौन सी वर्ब है, वी टू, क्या है, वी टू. तो वी टू के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और ये देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है. बाय हुम वॉज, बाय हुम वॉज द रामायण, बाय हुम वॉज द रामायण, बाय हुम वॉज द रामायण, राइट रोट से बन जाएगा आपका रिटन. अभी क्लियर हो गया होगा. ओके,
देखो बाय हूम, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, बाय हूम वॉज द रामायण रिटन, क्लियर? ओके, अभी आप इनको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। What was said by him? जल्दी चेंज करें। देखो What was said by him? ये हमारा किस फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में। पैसिव से हमें क्या बनाना है? एक्टिव। क्या बनाना है? एक्टिव वॉइस। क्या बनाना है हमें? एक्टिव वॉइस। ये आपका पैसिव वॉइस है। किसी स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया था कि मैम मुझे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप पैसिव फॉर्म के लेके आए ताकि हम समझ सके। एम राइट मंजीत जी? व्हाट वॉज सेड बाय हिम? हिम किससे बना है आपका? देखो मैंने आपको समझाया था, सब्जेक्ट था हमारा, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट इधर आ गया, ऑब्जेक्ट इधर आ गया। तो अभी देखो ये हिम को आप कहाँ ले आएंगे? हिम को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ही, ठीक है। और जो डब्ल्यू एच के वर्ड है वो सेम प्लेस पे रहेंगे। वो कहाँ पे रहेंगे? सेम प्लेस पे। उनको वहीं पे छोड़ दो, उनको चेंज मत करना, ठीक है। बाकी हम चेंज करेंगे। व्हाट, पर मैं दोबारा राइट कर देती हूँ ये। व्हाट को आप यहीं पे रखेंगे, बाकी एक बार सारा चेंज करेंगे, ठीक है। ही सेड, सेड किससे बनी है आपकी? लेकिन वॉज का यूज है तो क्या है? सेड है, ठीक है। वॉज का यूज है तो इसका मतलब क्या है? सेकंड वर्ब है। व्हाट ही, यस राइट करें। देखो What did he say? आपका पास्ट का था, कैसे पता चला कि ये पास्ट का है? ये आपके वही क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस थे जो। What did he say? Did से आपको पता चला कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। से आपका बन गया said. What was said by him? तो हिम का क्या बन जाएगा? देखो व्हाट उधर ही रखना है, क्वेश्चन में है तो हेल्पिंग वर्ब, और हिम का बन जाएगा आपका ही, ठीक है। व्हाट वॉज सैड बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस फॉर्म है ये। फिर आपका है हुम डिड यू इनवाइट, हुम डिड यू इनवाइट, हुम से आपका बन गया हु, डिड है इसलिए हम यूज करेंगे वॉज इनवाइटेड बाय यू, ठीक है। फिर है आपका हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, हु बाय हूम वॉज दिस बुक रिटन, क्लियर? उम्मीद करती हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सबका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैम हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा बता दूँगी।
ठीक है। और वैसे मैंने ये सभी डिटेल में समझा रखे हैं, आज हमें सिर्फ टेस्ट लेना था, लेकिन आप लोग थोड़ा कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं इसलिए मैं साथ के साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ताकि जो न्यू बच्चे देखें उनको प्रॉब्लम ना होए, वो साथ के साथ थोड़ा समझ लें। ओके क्लियर। हाँ मंजीत जी क्लियर। ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सभी एग्जाम्स में आते हैं। मंजीत जी आप किसकी तैयारी कर रहे हो? अच्छा वो बच्चे नेट की क्लास ले रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है बाद में देख लेंगे, जिसने समझना है जिसको जरूरत है। देखो ऐसा है कि ये यूजफुल तो सबके लिए है, जो भी देखेगा उसको सबको फायदा ही होगा। ओके मंजीत जी आप केवीएस की और एनवीएस की दोनों की तैयारी कर रहे हो ना, और सीटेट की भी? एक बार मुझे कंफर्म करें आपका सब्जेक्ट क्या है। ओके थैंक यू मंजीत जी। अच्छा आप ओनली नेट की तैयारी कर रहे हो, कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी, ये आपका पैसिव फॉर्म में है। अच्छा कंप्यूटर सब्जेक्ट है मंजीत जी, ओके ये आपके पैसिव फॉर्म है। देखो इंग्लिश ग्रामर तो आपके लिए हमेशा यूजफुल होती है, जब तक आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की समझ नहीं होगी तो बाकी देखो सेंटेंस बनाने हैं, कुछ और काम करना है, सभी में ज़रूरत होती है इसकी, तो चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे। इज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय मी, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू, ये आपकी पैसिव फॉर्म में है। पैसिव से हमें बनाने हैं एक्टिव, एक्टिव में चेंज करना है। I am driving a car. A car is being driven by me से बन गया आपका। देखो me किसका बना है आपका I से, I के साथ helping verb क्या आएगी am। I am driving a car, being किससे बना है आपका ing से, इसका मतलब ये कौन सा tense आपका present continuous, ठीक है। Is a car being driven by me, फिर आपका ये क्वेश्चन फॉर्म में है, इंटेरोगेटिव में है। अकार गलती से लग गया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। A car is being driven by me. अब देखो me किससे बना है आपको पता है I से, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या ये एक दूसरे से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्रॉस करके बनाए हैं ना, तो ये हम पहले ले आएंगे, क्या करेंगे इसको पहले ले आएंगे, तो पहले लाएंगे तो क्या बनेगा I, और I के साथ क्या आएगा कंटिन्यूस में am, ठीक है। और बीइंग किससे बना है
बीइंग बना है आपका आईएनजी फॉर्म से, इसका मतलब फर्स्ट वर्ब है और आईएनजी है. आई एम ड्राइविंग वी आई एन जी, आई एम ड्राइविंग अ कार. और देखो आपको सबसे एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को, पैसिव वॉइस को पहचानना. किससे पहचानना है पैसिव वॉइस को? आपको वी थ्री देख लेना है, ठीक है. वी थ्री, अगर आपको वी थ्री मिलती है पैसिव फॉर्म में, तो आपका क्या है, वो पैसिव वॉइस है. कई बार क्या होता है, हम विदाउट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस देखते हैं. हाँ, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस मिल जाते हैं किससे, प्रीपोजिशन के साथ. टू लग जाता है बाय की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा. ये जरूरी नहीं है कि आपको बाय मिले तभी वो पैसिव फॉर्म में है. आप ये देख लेना वी थ्री है, कोई प्रीपोजिशन है, तो वो आपका क्या हो जाता है, पैसिव फॉर्म में, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री किस में मिलेगी आपको, पैसिव फॉर्म में. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सब क्लियर हो गया होगा. ये सभी आप नोटबुक में राइट करें. मंजीत जी, आप किसी को मेरी क्लास शेयर करते हो? आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो किसी को शेयर करते हो, जिसकी जिसको इसकी ज़रूरत हो? कोई सी टेट की तैयारी कर रहा है, एनवीएस की तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट है तो आप शेयर कर देना, अच्छा है, किसी का भला हो जाए हमारे माध्यम से, ठीक है. अब देखो, अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय मी, पैसिव वॉइस है. आप इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे. ओके, थैंक यू मंजीत जी. देखो, हमें इंसानियत भी दिखानी चाहिए, हर एक चीज को हमें पैसे से नहीं तोलना चाहिए कि हमें कोई पैसे देगा तभी ये काम करें. अच्छा है, अच्छा करेंगे तो कोई हमारा भी अच्छा करेगा, ठीक है ना. कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे. तो अगर आप किसी का भला सोचोगे तो कोई और भी आपका भला सोचेगा. अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय मी, ये आपका पैसिव फॉर्म में है. आप इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे. देखो, हिम से क्या बन जाएगा, मी से क्या बन जाएगा, इसमें आपके टू ऑब्जेक्ट हैं, टू ऑब्जेक्ट वाले भी करने आने चाहिए आपको. टू ऑब्जेक्ट क्या क्या है मुझे बताएं. इसमें टू ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं? देखो, मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना. ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट. ये क्या हो गया, वर्ब. वर्ब कौन सी है, सेकंड. हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. अ चेयर भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. किसी किसी सेंटेंस में आपको टू टू ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है. तो हम पहले ये भी उठा सकते हैं और ये भी पिकअप कर सकते हैं. एज योर विश, आप इन दोनों में से एक ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है. तो हमने क्या लिया, अ चेयर वॉज, क्योंकि सेकंड वर्ब है, वॉज लगा दिया, वी थ्री लगा दी, और फिर टू हिम बाय मी हो गया किससे,
आई से, आई का क्या बन गया, बाय मी। क्लियर? आज आपके एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा करना है, कौन सा ग्रामर में डिफिकल्ट है, अगर कोई बताना चाहे, कमेंट करना चाहे तो कर सकते हो। अभी देखें कुछ और सेंटेंस हैं। यू बॉयल एग्स, जल्दी जल्दी पहचाने टेंस कौन सा है। एग, यू बॉयल एग्स, एग्स प्लूरल है, एग्स आर बॉयल्ड बाय यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बॉयल, यू प्लूरल है इसलिए एस आई एस नहीं लगा है। ठीक है, एक बार सबसे पहले हमें टेंस फाइंड आउट करना है। अगर आपको टेंस फाइंड आउट करना आ गया तो मोस्टली आपके एक्टिव वॉइस राइट जाएंगे। अब देखो यू क्या है आपका, यू है आपका सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो इसलिए आपकी वी फर्स्ट है, वी फर्स्ट के साथ एस आई एस नहीं लगा है। ठीक है, एक्स क्या है आपका, प्लूरल, तो इसलिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, एग्स के साथ आ जाएगा, आर बॉयल्ड बाय यू। जल्दी जल्दी राइट करते जाएं, समझ में आ गया है तो। साथ में माय मदर लव्स मी, मी से बन गया आपका आई, आई के साथ आएगा एम, आई एम लव्ड बाय माय मदर। इज इट क्लियर? दे रीड दिस बुक एवरी डे, देखो दिस बुक हमने ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, दिस बुक सिंगुलर है, इज रीड, रीड की सभी फॉर्म सेम रहती हैं, बाय दे से बन गया देम, एवरी डे। ओके, लास्ट में हमने राइट कर दिया एवरी डे। ओके, फिर है यू प्रेज हर वेरी मच, यू प्रेज हर वेरी मच, हर से क्या बन गया आपका, शी, प्रेज वी फर्स्ट है, हेल्पिंग वर्ब शी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, इज प्रेज्ड बाय यू वेरी मच। ओके, फिर है आपका ही किल्स अ स्नेक, अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ मुश्किल है। वी प्ले फुटबॉल इन द आफ्टरनून, देखो वी प्ले फुटबॉल, ठीक है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल इज प्लेड बाय अस इन द आफ्टरनून। ठीक है, बाकी जो सेंटेंस है जो प्रीपोजिशन के साथ अनदर वर्ड्स हैं सेंटेंस में, वो आप बाद में ऐड कर लें, बाकी सारा रूल और रेगुलेशन के साथ चेंज कर लें। ठीक है, ये प्रीपोजिशन वाले भी आ जाते हैं, इसलिए मैं ये वर्ड सेंटेंस लेके आई हूं, ताकि आपको ये कंफ्यूज ना हो कि ये कहां पे पुट करने हैं। देखो बच्चों, जो भी वीडियो देख रहे हैं समझ में आ जाता है तो कमेंट्स करें, क्लास को लाइक करें, और नहीं समझ आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा ये भी बता सकते हो। ठीक है, आप ये राइट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, सभी नोटबुक में राइट करेंगे। ये कुछ रूल्स मैंने राइट किए हैं आप लोगों के लिए। देखो आप लोग ऐसे राइट कर सकते हो, अगर आपको ये शी सिंग्स अ सॉन्ग इस टाइप से कुछ लिखा है तो आप पहले उसका टेंस राइट करें, फिर उसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो साथ में उसका फॉर्मेशन राइट करें, ताकि आपको सारी चीज़ें टिप्स पर याद हो जाए। ठीक है, इस टाइप से आप टेबल बना लेना,
ये आपका होमवर्क है। और ये जो नीचे सिंपल पास्ट टेंस है, दे रोट अ नोवल वॉज रिटन बाय दैम, दिस इज फॉर यू। ये वर्क मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप राइट करेंगे साथ के साथ नोटबुक में, इसका क्या फॉर्मेशन बनेगा ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में राइट करें, ठीक है। थैंक यू मंजीत जी। इसके जो भी फॉर्मेशन हैं सिंपल पास्ट टेंस के, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के, आप कमेंट बॉक्स में इनके फॉर्मेशन राइट करें, फिर मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग क्लास के बाद भी एक्टिव रहते हो, ठीक है। ये आपका फ्यूचर टेंस का है, ओके। ये आपके लिए होमवर्क है, इन तीनों को आप चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में, ओके। थैंक यू मंजीत जी। ये आपका होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में इसके एक्टिव फॉर्म राइट करेंगे। ये होमवर्क है, जैसे बच्चों को HW देते हैं ना, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे इनके आंसर, ठीक है, ओके। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक ये क्लास पहुँचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आते बाकी टीचर्स के समझाए हुए। मैंने भी आपके ये सेंटेंस, आपके लिए फॉर्मेशन काफ़ी एनालाइज करने के बाद फिर बनाए हैं बहुत सारे। ठीक है, थ्री क्वेश्चन ये हैं, थ्री वो हैं, सिक्स क्वेश्चन आपका होमवर्क है और वो टेबल है, टेबल में आपको फॉर्मेशन राइट करना है, ओके जी। ऐसे हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है, आप ये डायग्राम बना के रख लें अपने किसी रफ पेज पे और फिर अपने एक्टिव वॉइस चेंज करते रहें, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी बता देना, अच्छी लगी है तो भी बता देना, और कमेंट बॉक्स में आप अपना होमवर्क सेंड कर देना, ठीक है, कि ये फॉर्मेशन है और इनके पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस राइट करके सेंड कर देना, ओके। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास एंड वॉचिंग द वीडियो। Thanks to all. Have a nice day. Bye everyone.